हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ विल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विल के यूज़ का, ठीक है। फ्यूचर टेंस में भी यूज़ होता है और हमारे मॉडल वर्ब में भी यूज़ होता है। तो ये देखते हैं विल के यूज़ को। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि अभी क्या हो रहा है ना, पहले क्या होता था कि हमारे पास आई और वी के साथ सेल का यूज़ होता था और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके साथ विल का यूज़ होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सारे सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में विल का ही यूज़ होता है। ये बात आप लोग जान गए। दूसरी बात देखते हैं, होता क्या है, जो हम लोग विल का यूज़ करते हैं ना, वो जो करते हैं वो पहला जो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसका इम्पोर्टेंट यूज़ होता है और हम लोग डेली लाइफ में एकदम यूज़ करते हैं, वो करते हैं फ्यूचर इवेंट्स के लिए। जब हमें अपना कोई फ्यूचर इवेंट बताना होता है, जब भी हमें कोई अपना फ्यूचर इवेंट बताना होता है, तो फ्यूचर इवेंट बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, अगर नेक्स्ट ईयर आई विल बी ऑफ 40 या आई विल बी 50, जैसे मैं बोलूँ आपसे नेक्स्ट ईयर आई विल बी 50, हालांकि मैं 50 का नहीं हूँगा, लेकिन ऐसे क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ क्या, नेक्स्ट ईयर आई विल बी 24 एंड 23, वाट एवर विल बी योर एज। तो जो भी आप अपने फ्यूचर के इवेंट बताएंगे, मतलब जो होने वाला इवेंट, समझ रहे हैं ना, कि जो होना निश्चित सर्टेन इवेंट है, ठीक है, जो इवेंट कैसा होगा, सर्टेन इवेंट होगा। तो जहाँ पे हम लोग किसी इवेंट की बात करेंगे, जो फ्यूचर का इवेंट होगा, वहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, विल का बात करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग और कह सकते हैं कि राम विल लर्न दिस लेसन, ठीक है, कि राम जो है ये लेसन लर्न कर लेगा, राम विल लर्न दिस लेसन। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे विल का यूज़ किया, ठीक है, राम विल लर्न दिस लेसन। आई एम वेरी श्योर, मुझे पता है क्या कि ये इवेंट है, क्योंकि राम पढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, राम क्या करेगा, दिस लेसन को लर्न कर लेगा। ये बात समझ में आई, ये क्या है, एक फ्यूचर इवेंट है। ऐसे हम कह सकते हैं आई विल गो डेली। अच्छा, पता है कि नहीं आपको, आई विल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई विल गो डेली टुमारो। अब क्या बता रहा हूं मैं आपको कि आई विल गो डेली, मैं दिल्ली जाऊंगा, कब जाऊंगा, टुमारो मतलब कल जाऊंगा, ये क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इवेंट की बात करेंगे, जो इवेंट हमारा कैसा होगा, फ्यूचर का इवेंट होगा, वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। ऐसे भी आप लोग भी और भी कुछ कह सकते हैं, मैं कल ये काम करूंगा, मैं कल उनसे मिलूंगा, ठीक है, मैं कल वहाँ जाऊंगा, कल मैं ये खाऊंगा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से बनाइए ना, खुद से बनाइए, कोशिश कर देखिए, आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे जो भी आप काम करने वाले हैं, जो भी आपका मतलब पता है आपको ये काम होने वाला है, ठीक है, आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसका पहला यूज़। हम लोग विल का यूज़ और भी करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जब भी हम लोगों को कमांड देना होता है, ऑर्डर देना होता है, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं विल का। और कमांड तो ऑर्डर फिर भी ठीक है, जब हम लोगों को कुछ प्रॉमिस करनी होती है, हम लोगों को डिसीजन लेना होता है, बात समझ में आ रही है। जैसे जब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, जब भी हम लोग ऑर्डर देंगे, ऑर्डर इन द सेंस कमांड, ठीक है, जब भी हम लोग प्रॉमिस करेंगे, डिसीजन लेंगे, ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग विल का यूज़ करेंगे, ओके, प्रॉमिस के लिए, डिसीजन के लिए, कमांड के लिए और ऑर्डर के लिए। जैसे मैं मान लीजिए कोई प्रॉमिस करूँ आपसे, आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, क्या करूंगा मैं अपना बेहतर करूंगा, कब बेहतर करूंगा, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉमिस, ये मैंने क्या किया, प्रॉमिस किया आपसे, ठीक है, ये मैंने क्या किया, प्रॉमिस किया कि मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम बेहतर करूंगा। ऐसे मैं आपसे और भी प्रॉमिस कर सकता हूं, जैसे आई विल मीट यू या आई विल सी यू टुमारो, जो भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना वी विल सी यू टुमारो, ऐसे हम लोग और भी कह सकते हैं कि हम कल आपसे मिलेंगे। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं कल आपसे मिलूंगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रॉमिस करेंगे, ऐसे और भी कह सकते हैं, आई विल गिव यू रुपीज़ 100,
मैं क्या करूँगा, आपको मैं 100 रुपये दूंगा, आई विल गिव यू रुपीज़ 100। अब क्या हो रही है यहाँ पे बात, हम क्या कर रहे हैं, आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा। तो जहाँ पे भी हम लोग प्रॉमिस देंगे, ठीक है, ऐसे ही कह सकते हैं कि जब हम लोग अपने आप से कुछ डिसीजन लेते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे, ये तो होगी दोनों प्रॉमिस की बातें, ऐसे ही जब हम लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आई विल क्रैक NDA, आई विल क्रैक SSC या जो भी आप एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, आई विल क्रैक SSC या आई विल क्रैक NDA दिस ईयर। अब क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप से क्या कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने आप से क्या कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं 100% मैं क्रैक करूँगा। ये क्या हो रहा है, एक तरह से मेरा निश्चय है, ये मेरा निश्चय है, मतलब क्या करें, एक तरह से क्या मेरा ये निश्चय है कि मैं क्या करूँगा, दिस ईयर क्या करूँगा, NDA जरूर क्रैक करूँगा। ठीक है, बात समझ में आई। वैसे जो भी हम अपने आप से डिसीजन लेते हैं, जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं, उसको भी यूज़ करने के लिए, वहाँ पे उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात करें आपसे हम इनके स्ट्रक्चर की, तो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है प्लस विल है प्लस उसके बाद क्या है, वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल सा पैटर्न है, स्ट्रक्चर वही पुराना वाला है, कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मीन्स जब आप क्या करेंगे, डिसीजन करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, या तो जैसे हम आपसे ऑर्डर की अगर बात करें, कभी कभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि हमारे क्या होते हैं, हमारे लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि नो वन विल यूज मोबाइल, कोई भी मोबाइल का यूज़ नहीं करेगा, नो वन विल यूज़ मोबाइल इन कैंपस, कैंपस में कोई भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से ऑर्डर है भाई, हमारे लिए क्या है ये ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी हम लोगों ने ये भी देखते हैं ऑफिस वगैरह में, क्या होता है रूल, नो वन विल वियर शर्ट, यस ऐसे भी होता है ना ऑफिस में, नो वन विल वियर शर्ट या टी शर्ट, जो भी टी शर्ट लिखते हैं, नो वन विल वियर टी शर्ट इन क्लास। ठीक है, कोई भी क्लास में टी शर्ट नहीं पहन के आएगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि नो वन विल वियर, यहाँ पे हमने विल का यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, विल का यूज़ करके कमांड दे रहे हैं, हम लोग विल का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे, कमांड की बात करेंगे, डिसीजन की बात करेंगे या प्रोमिस की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि कल से वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, हमें ये काम नहीं करना है, ओके, मैं करूँगा। अब देखिए बात समझिए, मैं डिसीजन भी ले रहा हूँ, मैं कमांड भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रॉमिस भी कर रहा हूँ, इन सारे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। ऐसे ही आप और भी कह सकते हैं, आई विल नेवर वेस्ट माई टाइम, मैं आज से अपने समय का नुकसान नहीं करूँगा ना। तो अब ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूँ, या कह सकते हैं कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ कि मैं अपने समय का नुकसान नहीं करूँगा। प्रॉमिस में डिसीजन में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उसको हम आपको अलग से क्लास में बताएंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे विल के साथ बी का यूज़, ये बात समझ में आ गई, आगे चलें। चलिए अब हम लोग देखेंगे विल के साथ बी का यूज़। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो विल के साथ हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग पोजीशन बताते हैं तो वहाँ पे विल के साथ बी का यूज़ करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि फ्यूचर पोजीशन बताने के लिए, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विल के साथ बी का यूज़ करते हैं, मीन्स विल बी का यूज़ करते हैं, विल बी का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे करते हैं देखते, जैसे मैं बोलूँ आपसे ही विल बी सिक, कि कल वो बीमार होगा, भगवान न करे ऐसा हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपसे ही विल बी सिक, अब मैंने क्या कहा आपसे कि कल वो क्या होगा, कल वो बीमार होगा। तो ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि कल वो होगा, किसी भी स्थिति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान के बारे में कुछ बताने के लिए, जब हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे, उसके बारे में कुछ भी बताएंगे, तो आप हम लोग क्या करते हैं, विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ वाटर विल बी हॉट
पानी के पानी क्या होगा, गर्म होगा, पानी क्या होगा, गर्म होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पानी की पोजीशन बता रहे हैं, फ्यूचर पोजीशन की क्या होगा, उस समय पानी गर्म होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बात करें नेगेटिव का तो क्या कर सकते हैं कि द प्लेस विल बी नॉट सो हेल्पफुल, दैट पर्सन विल बी नॉट सो हेल्पफुल, क्या होगा कि दैट पर्सन विल बी नॉट हेल्प, कि वो पर्सन क्या करेगा, हेल्प नहीं करेगा। तो मतलब हमारे कहने का ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को कोई भी पोजीशन की बात करनी होती है, फ्यूचर की बात करनी होती है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूचर क्या करते हैं, विल के साथ बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे द क्वेश्चन विल बी नॉट हार्ड, या ऐसे बोलें क्वेश्चन विल बी हार्ड, क्वेश्चन विल बी हार्ड, क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन हार्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा होगा, हार्ड होगा। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा, हार्ड होगा। तो हम क्वेश्चन की स्थिति बता रहे हैं, ठीक है, कब बता रहे हैं, फ्यूचर की पोजीशन बता रहे हैं। तो जहाँ पे हमें फ्यूचर की पोजीशन बतानी होती है वहाँ पे हम लोग विल के साथ बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप और सारा एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि राम विल बी एबसेंट, राम क्या होगा, एबसेंट होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है कि राम की इस बारे में बता रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं राम को। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम लोग किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, या बोले तो किसी भी स्थिति का फ्यूचर बारे में बताएंगे, फ्यूचर पोजीशन बताएंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल के साथ बी का यूज़ करेंगे। बातें समझ में आ गई। एक हम लोग यूज़ और करते हैं विल का, विल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। हालाँकि अगर आपने हैव के बारे में अगर आप जानते होंगे, जो हैव का यूज़ होता है, जो हम लोग हैव वगैरह का यूज़ पढ़ते हैं ना, कि मेरे पास होगा, ठीक है, तो वहीं पे हम लोग विल का भी यूज़ आराम से कर सकते हैं, उसमें कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आई विल हैव अ कार, बात समझिएगा, जैसे मैं बोलूँ आपसे क्या, आई विल हैव अ कार, मेरे पास क्या होगा, कार होगा। कब कार होगी, आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मेरे पास क्या होगी, कार होगी। कब कार होगी, नेक्स्ट ईयर कार होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विल के साथ हैव का यूज़ कर रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें मेरे पास होंगी। तो क्योंकि हम लोग हैव का यूज़ कहाँ करते थे, पास होने के लिए, कि आई हैव मार्कर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ टी शर्ट, वट एवर वी हैव, तो हम लोग हैव का यूज़ करते थे अपने पास बताने के लिए। तो उसी चीज़ को फ्यूचर में बताने के लिए, कि ये चीज़ मेरे पास फ्यूचर में होगी, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि राम विल हैव अ बुक, राम विल हैव अ बुक, राम के पास क्या होगा, भविष्य में किताब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें फ्यूचर भी होंगी। अच्छा, ये तो बात मान लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम लोग इसको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे क्या, ही विल नॉट हैव मनी, ही विल नॉट हैव मनी। इस बात को देखिएगा कि क्या हो रहा है, कि विल और हैव के बीच में, विल और हैव के बीच में नॉट आया हुआ है। बताया था मैंने आपको, क्या होता है जब दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उन दोनों के बीच में नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ सीधे आपसे कि ही विल नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं होंगे। भाई लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, पैसे कहाँ से होंगे। ठीक है, स्टूडेंट है बेचारा। तो ये क्या हो रहा है, ये बता रहा हूँ मैं आपको कि फ्यूचर में उसके पास पैसा नहीं होगा। ठीक है, हालाँकि ऐसा ना करे भगवान, किसी के पास ऐसा हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, फ्यूचर में पास होने की बात करेंगे, भविष्य में पास होने की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विल के साथ हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे वो हमारा इंट्रोगेटिव का केस हो, चाहे वो हमारा नेगेटिव का केस है, चाहे वो हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव का केस हो। अगर बात करें आपको इसी को इंट्रोगेटिव बनाने को, क्या कर सकते हैं आप, व्हाट विल यू हैव, सबसे अच्छा एग्जांपल, व्हाट विल You have, ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे कि तुम्हारे पास क्या होगा, What will you have, यहाँ पे देखिए सबसे पहले WH word लगाया, फिर will, फिर subject और फिर have। ठीक है, तो जो उसका अगर structure की अगर हम बात करें आपसे, तो उसका structure subject क्या हो जाएगा, इसका structure क्या हो जाएगा, subject होगा सबसे पहले, ठीक है, फिर will have होगा, plus object होगा। ठीक है, इसका structure कुछ ऐसे होगा, और इसका structure क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल होगा, विल बी होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। दोनों केस में एक बात देखिएगा, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, कि दोनों हमारे पास एक सिमिलरिटी है, कि ना ही हमारे पास कोई यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे देखिए ना ही हमारे पास कोई मेन वर्ब यहाँ पे है, ना ही हमारे पास मेन वर्ब यहाँ पे है। कारण क्या बता सकते हैं,
बताइए ना ही हमारे पास इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई मेन वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम लोग यहाँ पे मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? यू हैव टू थिंक, क्यों ऐसा नहीं कर रहे भाई? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग किसके बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, किसी स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब स्थिति की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से काम चला लेंगे। वैसे क्या होता है, बताया था मैंने आपको वर्ब वाले कॉन्सेप्ट में, आप अगर ध्यान देंगे कि जहाँ पे मेन वर्ब नहीं होता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या करता है, मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग ये देखेंगे अगली क्लास में कि हम लोग परमिशन कैसे लेते हैं, हम लोग परमिशन कैसे, जब हमें परमिशन कैसे से मांगना, तो हम लोग परमिशन कैसे मांगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कि थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस करिए, बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको भी सेंड करिए वीडियोज़ को, और अगर आप वीडियोज़ देखते हैं तो कृपया लाइक कर दिया करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।